Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video with regard to the one shot marathon revision for your MSO 001. सोशोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, इसके हम लोग मैराथन फॉर्म में वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं सारी यूनिट का. तो बुक टू से हमने स्टार्ट करा है. अब आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. आप एक तरीके से इस वीडियो को देख के अपनी रिवीजन कर सकते हैं. एंड आई होप यूट्यूब वाले स्टूडेंट ने फ्री कंटेंट एंड जो बच्चे पेड क्लासेस का पार्ट है उन्होंने पेड क्लासेस भी अब तक कंप्लीट कर लिए हैं. एंड इनकेस आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट उन कॉन्सेप्ट में आ रहा है, देन यू कैन आस्क दैट. तो हम लोगों ने यूनिट 18, 19, 20 यानी आपका ब्लॉक 5 का 18, 19, 20 यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिया है. यहाँ के बाद 21 यूनिट कवर हो जाएगा. यूनिट 1 to 5 में ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में कवर करा चुकी हूँ. आप लोगों ने एमएसओ 1 की प्लेलिस्ट देखी होगी, राइट? तो वहां तक यूनिट 1 to 5 ऑलरेडी कवर है. तो मैक्सिमम यूनिट आप देख रहे हो हम एमएसओ 1 की कवर कर रहे हैं. बाकी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं एमएसओ 1 के इनकेस वन शॉट रिविजन में कवर नहीं भी हो पाए. फॉर एग्जाम्पल वन शॉट रिविजन में हम कवर नहीं भी कर पाए तो मैंने आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में और लाइक पेड क्लासेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्मेट में वो सारी चीजें कवर कराई हैं, राइट? सो डोंट लाइक प्रेशराइज. मैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स और लाइक काफी हद तक चीजें करा रही हूँ आप लोगों को, बट स्टिल आप लोग वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर फॉलो करो. आप सिर्फ इन यूनिट्स की रिविजन के भरोसे नहीं रहेंगे. पहले वो करो, बाद में टाइम अलाउ करे तो ये करना, राइट? आई वुड सजेस्ट पहले वो करो बिकॉज वो डायरेक्टली एग्जाम सेंट्रिक टॉपिक और क्वेश्चंस हैं और वहाँ पे उनके आंसर्स और नोट्स भी आप लोगों को डायरेक्टली डिटेल में प्रोवाइड कराए गए हैं विद कीपिंग इन माइंड द वर्ड लिमिट ऑफ द लाइक एग्जाम में जो वर्ड लिमिट आता है. डन. अब जैसे सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी. सिविल सोसाइटी अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस यूनिट में आप लोगों को समझाया क्या होता है. सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी किस तरीके से मेंटेन करती है. देखिए सिविल सोसाइटी में आपके और मेरे जैसे लोग आते हैं. हम स्टूडेंट हो सकते हैं, हम किसी कंपनी के वर्कर हो सकते हैं, हम फार्मर हो सकते हैं. अब जैसे देखिए फार्मर को लेकर फार्मर बिल आए थे. फार्मर्स उसके अपोज में थे. फार्मर ने प्रोटेस्ट करा, बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला. गवर्नमेंट ने नेगोशिएट करने की कोशिश करी बट एट द एंड गवर्नमेंट को बिल वापस देना पड़ा. तो वहां पे एक ग्रुप के प्रोटेस्ट करने की वजह से और इतना मासिव प्रोटेस्ट करने की वजह से क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट का डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ, राइट? इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रूल पास करा है, कोई कंपनी में नया रूल आया, वर्कर स्ट्राइक पे बैठ जाएं, वर्कर अपने पॉइंट रख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ रूल बदलना पड़ जाए तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट कि सिविल सोसाइटी जो है वो अपने अपने लाइक अपने व्यू पॉइंट्स देके अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करके डिसीजन पे इम्पैक्ट डाल रही है. तो यहाँ पे कंपनी के डिसीजन की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. जहाँ पे आपको लिबर्टी है, इक्वालिटी मिल रही है आपको डेमोक्रेसी में, वी ऑल ऑफ मतलब ऑल ऑफ द पीपल आर इक्वल. सब इक्वल है, कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, कोई एक पर्सन के हाथ में सारी पावर नहीं है. वोटिंग सिस्टम होगा, इलेक्शन सिस्टम होगा, उसके थ्रू वी विल चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव. तो सिविल सोसाइटी क्या रोल प्ले करेगी. देखिए सिविल सोसाइटी सबसे पहले तो एजुकेट करने का रोल प्ले कर सकती है. लोगों को कलेक्ट करके एसोसिएशन बना रहे हो आप, तो आप उनको एजुकेट कर सकते हो, ग्रुप को अवेयर कर सकते हो. वट एवर मैटर इज हैपनिंग आप उस पर अपना रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो. आप लीगली उस फ्रेमवर्क पे वर्क करके लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोल सकते हो उस मुद्दे में अपने साथ, है ना? जो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन सिस्टम को आप अपने पार्ट पे भी मॉनिटर कर सकते हो. मॉनिटर मतलब ये नहीं कि हर बूथ पे जाके चीजें देखो, बट अगर आपको कोई चीज गड़बड़ लग रही है तो यू कैन रेज योर वॉइस. तो ये सब चीजें हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो कि आप डेमोक्रेसी बिल्डअप कर सकते हो. ऑल दो चैलेंजेस भी आते हैं तो इस चैप्टर में हमें वही सारी चीजें देखनी है. तो मैं वर्ड बाय वर्ड बता देती हूँ आप लोगों को. लैरी डायमंड ने अपने आर्टिकल रीथिंकिंग सिविल सोसाइटी में ये बोला कि सिविल सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेसी बिल्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब अगर आप ये लिख दोगे तो थोड़ा सा आंसर में चार चांद लग जाएंगे कि फैक्ट भी पता है हमें, राइट? तो अब ये क्या क्या करती है. स्टेट की पावर पे लिमिट लगाती है. अपनी मनमर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. यू आर अकाउंटेबल. जैसे हम PIL फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL फाइल कर सकते हो. अब आज की डेट में देखो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी वाला टाइम है, फटाफट से कोई भी चीज पकड़ के उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो, है ना? टू लिमिट द स्टेट पावर, टू एम्पावर सिटीजन. मैंने बोला कि आप सिटीजन को भी एजुकेट और अवेयर कर सकते हो कि उनका भी पॉलिटिकल एफिशिएंसी मतलब उनको पार्टिसिपेशन भी उनका रहना चाहिए. तो एम्पावर कर सकते हो सिटीजन को. टू बिल्ड अप डेमोक्रेटिक एट्रीब्यूट, लोगों में टॉलरेंस, मॉडरेशन, कॉम्प्रोमाइज ये सब चीजें ला सकते हो, इरिस्पेक्टिव की वो एग्रेशन, वायलेंस ये सब चीजों की तरफ जाएं. इट जनरेट अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करना चाहिए, सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए. एंड इन्फ्लुएंस एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन को भी किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, लॉ पॉलिसी मेकिंग वगैरह इन सब पे भी आप इम्पैक्ट डाल सकते हो. टू फंक्शन एज अ रिक्रूटिंग इन्फॉर्मेशन एंड लीडरशिप जनरेटिंग एजेंसी, राइट?
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, लीडर मतलब लीडर की तरह एक्ट कर रहे हो. सिविल सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल ग्रुप है तो देयर विल बी समवन हु विल लीड द अदर, हु विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, दूसरों को इन्फॉर्मेशन देंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे, दूसरों के ज्ञान का स्रोत बनेंगे. तो ये भी सिविल सोसाइटी रोल प्ले करती है. पब्लिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो आप इकट्ठा करते हो ताकि इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोई रिफॉर्म लाना है या आए हुए किसी रिफॉर्म को बदलना है तो वो आप कर पाओ. उसके लिए देखो एक अकेले की कोई आवाज़ नहीं सुनेगा. जब आप कलेक्टिवली मास मोबिलाइज होकर आवाज़ उठाते हो तो ही वो सोशल मूवमेंट कहलाता है. और सोशल मूवमेंट जब एक बड़े लेवल पे चीज़ें होंगी मास लेवल पे, देन ओनली आपकी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा. फिर देन टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेन न्यू पॉलिटिकल लीडर, नए लीडर्स को मतलब आप लोगों को जब प्रमोट कर रहे हो इस चीज़ के लिए एजुकेट कर रहे हो कि वो वोट दें, तो ये भी तो आप देखोगे कि एक नए लीडर फेयर चांस मिले सबको, जस्ट ट्रीटमेंट हो, एक बराबरी का जो है सबको मौका अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले. तो आप क्या करते हो नए पॉलिटिकल लीडर को ट्रेन भी कर रहे हो. इलेक्शन मॉनिटरिंग मैंने आपको बताया. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डायल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है तो क्या क्या होना चाहिए. लोगों को एक्सप्रेशन और एसोसिएशन का फ्रीडम होना चाहिए. इंडियन कंटेक्स्ट में मैं बात करूँ तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 ये राइट दे भी रहा है. राइट टू वोट हमारा लीगल राइट है, ये राइट भी होना चाहिए लोगों के पास, तभी तो डेमोक्रेसी रहेगी, अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं होगी. पब्लिक ऑफिसेज प्रॉपर रन हो सकें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहें. राइट ऑफ पॉलिटिकल लीडर टू कम्पीट फॉर द सपोर्ट एंड वोट, अब लोग आपस में कम्पीट करते ही हैं ना, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, वोट एंड सपोर्ट की बात करते हैं. प्लस अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर रहे और बाकी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ. डन, ये सब चीज़ें थी. अब इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव और इश्यूज़ क्या क्या हैं. पॉजिटिव क्या है, सिविल सोसाइटी का एजुकेट करती है. अभी ऊपर बता दिए कि डेमोक्रेसी कैसे बिल्डअप करती है, बट पॉजिटिव क्या है मैंने यहाँ सिर्फ हेडिंग लिखी है. एग्जाम में इफ इट केम तो आप एक्सप्लेन करोगे और बाकी डिटेल तो मैंने ऑलरेडी पेड क्लासेस में कवर कराया हुआ है, तो पेड क्लासेस वाले बच्चे तो वहाँ से कवर कर लेंगे. पब्लिक एजुकेशन देती है, स्टेक होल्डर के लिए वॉइस का काम करती है, मतलब बाकी लोगों के लिए आप आवाज़ बन रहे हो. बहुत सारे लोगों का वो मुद्दा हो सकता है बट लोग सामने नहीं ला पा रहे हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं उस चीज़ से, बट यू मतलब सिविल सोसाइटी जो है उनकी वॉइस की तरह एक्ट करती है. पॉलिसी इनपुट मतलब पॉलिसी पे अपना इनपुट देना, व्हाट आर द प्लस व्हाट आर द माइनस ऑफ द पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट ला रही है, पॉलिसी एक्ट लॉस, तो वो चीज़ है. ट्रांसपेरेंसी रहे गवर्नमेंट की, गवर्नेंस प्रॉपर रहे, क्योंकि अगर कोई भी फॉल्ट लग रहा है तो यू कैन रेज अ क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वो तभी बनेगी जब आप पॉइंट आउट कर रहे हो सामने वाले को, तभी सामने वाला अकाउंटेबल रहता है, तभी सामने वाले को आंसरेबिलिटी बनती है. लेजिटिमेसी मतलब लीगल बाउंड्री में रह के चीज़ों पे वर्क होता है और वैलिड भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इलेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके काम को या इनकी बातों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाएगा. प्रॉपर तरीके से लीगल वे में अगर आपने अपनी बात को रखा है, रिप्रेजेंट किया है, देन उसको वो लेजिटिमेट रहता है. इश्यूज़ क्या हैं, जो सिविल सोसाइटी एक्टिविटी हैं वो कई बार इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो उनका डेमोक्रेटिक पर्पज ही हो. आप कैसे गारंटी कर सकते हो कि उनका पर्पज डेमोक्रेटिक है या पर्सनल नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है. अगर उनका पर्पज डेमोक्रेटिक नहीं हुआ तो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात हो जाएगी, बिकॉज उनको डेमोक्रेसी प्रमोट करने की एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जा रहा है, एंड अगर वो अगेंस्ट वर्क करेंगे देन ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. इट माइट ड्रॉ अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी से दूर जा सकते हैं, राइट, अगर उनका जो एफर्ट है वो प्रॉपरली प्लान नहीं है, आपने प्लानिंग नहीं किया, डिजाइन नहीं कराया, एग्जीक्यूट नहीं कराया, तो फॉर वट एवर यू आर रेजिंग द वॉइस, जो भी चीज़ आप रखना चाह रहे हो, जो भी बात आप करना चाह रहे हो, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी. इन इक्विप्ड गवर्नमेंट एजेंसीज जो होंगी वो सिविल सोसाइटी के इनपुट को हैंडल भी नहीं कर सकती हैं, तो सिविल सोसाइटी जो अपना इनपुट दे रही है वो उसके साथ मैनेज नहीं कर पाएंगी, वो उसके हिसाब से एक्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है. स्टेट फंडिंग एंड बेनिफिट कुड करप्ट द वॉलंटियर, अगर फंडिंग रहेगी जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं जो ये बातों को रख रहे हैं, तो यहाँ पे करप्शन वाला पॉइंट भी आ सकता है, राइट, आजकल हर जगह है, पॉकेट भर दो, जेब गर्म कर दो, मामला दब जाता है, तो दैट कैन बी इशू, वो एक इशू हो सकता है. इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन, अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो भी डेमोक्रेसी का तो जो एसेंस है वो सब खत्म हो जाएगा. की तरफ से अगर रिप्रेजेंटेशन उस टॉपिक का या जो लीडर आपने चूज करा दैट इज नॉट अगर एप्रोप्रिएट, तो भी प्रॉब्लम रेज हो सकती है. सिविल सोसाइटी जो है कंसर्न फॉर ग्लोबल डेमोक्रेसी वो इनसेंसिटिव हो सकता है लोकल और कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, मतलब अगर आप ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हो तो उस ग्लोबल की वजह से कई बार आपकी लोकल और कल्चरल जो चीज़ें हैं वो इग्नोर हो जाती हैं. प्लस कई बार इंटरनल डेमोक्रेसी की भी कमी हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है,
आप खुद ही लीडर जो है वो कह रहे हो कि हमारे जो पिछले लीडर थे उनका बेटा ही अगला लीडर बनेगा लेट से, तो आपने खुद इलेक्शन से जस्ट तरीके से लीडर नहीं चूज करा, तो आपके सिविल ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर डेमोक्रेसी की कमी है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो दिस इज अबाउट यूनिट नंबर 21, सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी. व्हाट इज सिविल सोसाइटी, हाउ इट कैन बिल्ड डेमोक्रेसी, व्हाट आर द पॉजिटिव ऑफ इट, व्हाट आर द चैलेंजेस और द नेगेटिव पॉइंट एसोसिएटेड विद इट, ये सब हमने कवर कर लिया. यहाँ शॉर्ट में करा है और डिटेल में मैं ऑलरेडी कवर विद द नोट्स करा ही चुकी हूँ. तो ये हम लोगों ने ब्लॉक 5 की 18, 19, 20, 21 यूनिट विद दिस यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली. होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है. हेल्प कर रही है तो कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए. बहुत कम बोलती हूँ मैं ये चीज़ें, बट जब याद आता है तो बोल देती हूँ. और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सो दैट मुझे भी पता चल पाए कि कितने सीरियस स्टूडेंट हैं जो इस एंड मोमेंट पे इन वीडियोज़ की हेल्प ले पा रहे हैं या उनकी हेल्प किसी भी तरीके से हो पा रही है और जेन्युइनली इन वीडियो को वो लोग पढ़ रहे हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट यूनिट. थैंक यू एवरीवन.